हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालबाग जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने बताया था आपको कि आपकी जो बुक थी कहानी चयन का बीए फर्स्ट ईयर की, बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य, और कहानी चयन का वजह से 9 कहानियां दी गई थी वो कंप्लीट करवा दी है आपको, पिछले वीडियोज में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक जो बुक थी आपकी गद्य की विधाएं, उसमें टोटल 5 पार्ट दिए गए थे। ध्यान से समझना है इसको, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 5 पार्टों में से एक पार्ट पहले नंबर का हटा दिया गया, प्रवास की डायरी, हरिवंश राय बच्चन की थी, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब उसमें कितने बचे हैं 5 में से? 4। तो 4 पूरे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं क्वेश्चन आंसर 4 पार्टों के, ठीक है। और ये जो है वहाँ गद्य की विधाओं से तो पहला पार्ट हटा दिया गया आपका, प्रवास की डायरी, लेकिन कहानी चयन का में आपकी एक कहानी और बढ़ा दी गई है। कौन सी है वो कहानी? पिक्चर पोस्टकार्ड नाम की कहानी है। तो बच्चों वहाँ 9 कहानियां थी, 9 की जगह अब कितनी हो गई? 10। अगर 9 में एक और डाल दें तो कितना हो गया? 10। तो वहाँ कहानी चयन का के अंदर आपकी 10 कहानियां हो चुकी हैं, ठीक है, टोटल कितनी हुई? 10। और गद्य की विधाओं में जहां 5 पार्ट थे वहां 4 हो गए हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे आप। तो पार्ट 6 है आपका पिक्चर पोस्टकार्ड, ये नई कहानी है। आप देख रहे हैं यहां कहानी लिख देती हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इस कहानी में ये निर्मल वर्मा इसके लेखक हैं, और इसमें महानगरीय परिवेश के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत युवाओं की मनोदशा तथा स्वच्छंद आचरण का यथार्थ चित्रण किया गया है। विश्वविद्यालय है और वहां जो बच्चे स्वच्छंद आचरण वाले हैं और वहां अध्ययनरत हैं, वहीं रह के वो स्टडी करते हैं। तो साथियों उन बच्चों का जो मनोदशा है, आप उसमें क्या क्या बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, वो सारी मनोदशा इस पार्ट में बताई गई है, इस कहानी में बताई गई है। कौन सी? पिक्चर पोस्टकार्ड नाम की जो कहानी है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो आगे आप देखेंगे, जैसे कि इसमें टोटल पात्र जो है, पात्रों की संख्या 5 है, सीढ़ी, परेश, प्रभा, नीलू, निक्की, 2 तो बॉयज है और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल पात्र कितने हुए? 5। पात्रों की संख्या कितनी है? 5। इन पात्रों की संख्या के माध्यम से ही कहानी को आगे गति दी गई है। तो आप देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपको देखेंगे प्रश्न नंबर पहला, पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी का कथानक साथ लिखते हुए इस कहानी की कलात्मक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस कहानी का क्या बताना है? कलात्मक विशेषता बतानी है और कथानक सार बताना है। इस कहानी का पूरा सार और कलात्मक विशेषता है। तो अब हम ले चलेंगे आपको आगे आंसर की तरफ। आंसर में देखेंगे बच्चों, आंसर में पॉइंट है आपका कहानी का कथानक सार। तो कहानी का कथानक सार बहुत बड़ा नहीं है, कहानी बहुत बड़ी नहीं है बच्चों, आप देखेंगे समझ जाएंगे। साथियों इसमें जो कथानक सार है, देखेंगे आप आगे, पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी आकार की दृष्टि से देखा जाए तो अधिक लंबी नहीं है। इसमें महानगरीय परिवेश के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत युवाओं की मनोदशा तथा स्वच्छंद आचरण का यथार्थ चित्रण किया गया है, और इसका कथानक निम्न शीर्षकों द्वारा बताया गया है, पॉइंटों द्वारा बताया गया है। तो उसके पॉइंट क्या है बच्चों, देखेंगे आप आगे। पॉइंट, पहला पॉइंट आपका है सहपाठियों की चिंता। तो देखेंगे पहले पॉइंट में, सहपाठी का मतलब साथ में पढ़ने वाले जो और साथी हैं उन सबकी चिंता, आपस में वो बातें करते हैं। देखो आप क्या क्या बातें करते हैं,
तो आप भी कॉलेज लाइफ में पढ़ने जाएंगे तो आप भी उसी प्रकार की बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, विचार प्रकट करेंगे, वही साथ इन साथियों के साथ हो रहा है बच्चों। तो आप देखेंगे इस कहानी के माध्यम से कि सहपाठियों की चिंता किस प्रकार से एक दूसरे की चिंता सब करते हैं, देखेंगे बच्चों। कथानक का जो आरंभ है वो सीढ़ी और परेश के संवाद से शुरू होता है। सीढ़ी और परेश, ये दो पात्र, ये पुरुष पात्र हैं, तो इन दोनों के संवाद से ही कहानी का जो संवाद है वो शुरू होता है। और स्टार्टिंग में ये क्या बातें करते हैं देखेंगे आप साथियों। सीढ़ी अखबार में वैकेंसी का पन्ना देखता रहता है और परेश से पूछता है कि उसने जो बुक रिव्यू अखबार में छपने के लिए भेजा है उससे कितने रुपए मिलेंगे। परेश कहता है कि अखबार वाले क्या देंगे और उसका नाम भी छापेंगे कि नहीं इस बात का उसे पता नहीं है। तो वे भविष्य को लेकर कुछ चिंता व्यक्त करते हैं और साथ ही अपने अन्य मित्रों की चर्चा करते हैं। साथियों, परेश सीडी से पूछता है कि इस बार नौकरी पाने के लिए कहाँ अप्लाई करोगे और आगे क्या करने का विचार है। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों पोर्च में खड़े हो जाते हैं, वहीं खड़े खड़े इस तरह की बातें करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं कि आखिर आगे भविष्य में हमें हमारा क्या लक्ष्य है और आगे क्या करने का विचार है। इस तरह की चर्चाएं वो आपस में कर रहे हैं, कौन, परेश और सीडी। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सीडी की अनिश्चय की स्थिति। दूसरा पॉइंट है आपका, सीडी की अनिश्चय की स्थिति। साथियों, ये जो सीडी नाम का पात्र है, पुरुष पात्र कहानी के अंदर, तो इसकी अनिश्चय की स्थिति किस प्रकार है देखेंगे आप आगे बच्चों। परेश पास की दुकान से टाइम्स के संपादकीय विभाग में फोन कर आता है और वह सीडी से पूछता है कि कल रात वह आधा रिव्यू लिखकर सो गया था, बियर पी ली थी परंतु अब कभी नहीं पीऊंगा, इससे दिमाग चकराता है। साथियों, इसी क्रम में परेश सीढ़ी से गर्मियों में मंसूरी जाने के संबंध में पूछता है और सीढ़ी अनिश्चय की दशा में कहता है कि इस बार कंपटीशन में रह गया तो ओवर एज हो जाऊंगा, इसलिए वह मंसूरी नहीं जा पाएगा, उसका यही रहकर तैयारी करने का विचार है, ऐसा उसने कहा। किसने? सीडी ने। और इस तरह की बातें कर सीडी गंभीर हो जाता है। साथियों, उसके ऐसे स्वभाव को देखकर परेश पिछले दिनों का स्मरण करने लगता है और आगे बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की, अन्य साथियों से मिलना। तो अन्य साथियों से वो कहाँ और कब मिले देखेंगे हम। से मिले थे देखेंगे आप आगे। तो साथियों, सीडी और परेश बस में सवार होते हैं और मिंटो रोड के रेलवे ब्रिज से आगे चलकर इरविन नाम का जो अस्पताल है, इरविन नाम है अस्पताल का, इरविन नाम के अस्पताल, फिर दरियागंज होकर वे यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। साथियों, रास्ते में परेश ऊंगता
सोता रहता है, नींद लेता रहता है, जबकि सीढ़ी निक्की के संबंध में कुछ पूछता है। वह पूछता है कि तुम कहानी हिंदी में लिखते हो और रिव्यू अंग्रेजी में, कहानी भी अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते हो? वे दोनों यूनिवर्सिटी मोड़ पर बस से उतर जाते हैं और कैंटीन में चले जाते हैं। वहीं पास में कैंटीन था, उसमें चाय नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। तो साथियों, वहाँ पर उनकी निकी, प्रभा और नीलू, ये तीन जो महिला पात्र हैं, उनकी बात हो रही है। निकी, प्रभा और नीलू आदि से उनकी वहाँ मुलाकात हो जाती है। परेश नीलू से पूछता है कि उसके पेपर कैसे हुए। नीलू कहती है कि शायद अगले साल फिर आना पड़े। निकी कुछ अटपटी बातें कहता है तो प्रभा उसे टोकती है। निकी जूक बॉक्स का बटन दबाता है और तथा उससे कुछ पुरानी टून्स उभरती है। प्रभा उसे रोकना चाहती है। निकी भी बॉयज है बेटा, तो देखेंगे आप आगे। जैसे कि दो तो हो गए महिला पात्र और तीन हो गए आपके पुरुष पात्र। साथियों, आगे जो है ना, प्रभा उसे रोकना चाहती है। उस समय उन सभी की परस्पर बहुत सी बातें होती हैं। सीडी बताता है कि इस रविवार को टाइम्स में परेश का रिव्यू आएगा। प्रभा रिव्यू की बात सुनकर खुशी प्रकट करती है। तो नीलू कहती है कि अब वह घर चली जाएगी, कोई उसे कटिंग भेजे तो वह भी उस रिव्यू को पढ़ लेगी। ऐसा किसने कहा? किसने कहा बच्चों? नीलू ने, कि मैं तो घर चली जाऊंगी छुट्टियों में, कोई अगर कटिंग भेज देगा तो मैं पढ़ लूंगी। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका भविष्य का चिंतन। ये तीन पात्र जो है ना बच्चों, ये पुरुष पात्र है, निकी, सीढ़ी, परेश, और ये है महिला पात्र, ठीक है। तो चौथा पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट आपका है भविष्य का चिंतन। भविष्य का चिंतन तो आगे देखेंगे आप। भविष्य के चिंतन में क्या बताया जा रहा है? साथियों, कैंटीन से बाहर आकर सीढ़ी लाइब्रेरी में जाने लगता है तो प्रभा उसे रोकती है और निकी कहता है कि सीढ़ी इस साल IAS में बैठ रहा है। वह लाइब्रेरी में लंदन मैगनीज देखने जा रहा है। ये कौन कहता है? निकी कहता है सीडी के लिए। तो प्रभा कुछ आश्चर्य प्रकट करती है। तो नीलू अपना सामान पैकिंग कर आज रात की गाड़ी से जाने का निश्चय प्रकट करती है। तो साथियों, उस समय परेश नीलू की ओर प्रेम भरी नज़रों से देखता है। साथियों, निकी प्रभा की ओर देखकर कुछ सोचता है। इस तरह बातें करते हुए और भविष्य का चिंतन करते हुए वे सब वहां से चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे निकी का आचरण किस प्रकार का है, उस पर बात करते हैं। पांचवा पॉइंट, निकी का आचरण। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, निकी का आचरण। तो बच्चों, निकी किस प्रकार से, उसका नेचर था, उसी के बारे में बताया जा रहा है। निकी के बारे में बच्चों, निकी प्रायः बियर पीता रहता है और नशा का आदि सा बन गया है। वह नशे में परेश से अनर्गल बातें करता है।
और वह फिल्मों एवं नाटकों में एक्ट करना चाहता है, एक्टिंग, और वह यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप में रिहर्सल भी करता है तथा जेम्स डीन्स जैसा एक्टर बनना चाहता है। साथियों, वह परेश से हंसी मजाक तथा नशे में इसी तरह की बातें करता है, परंतु परेश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। साथियों, निकी का आचरण कुछ गिरा हुआ सा लगता है, जो कि आमतौर पर देखा जाए कुछ बच्चों में ये हरकतें, ये आदतें अक्सर होती हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे छठवें पॉइंट की, परेश का नीलू के प्रति आकर्षण। परेश का नीलू के प्रति आकर्षण। छठवां पॉइंट है आपका, परेश का नीलू के प्रति आकर्षण। बच्चों, साथ रहते रहते इस उम्र में सहपाठी कभी कभी आकर्षण का केंद्र एक दूसरे के बन ही जाते हैं, तो वही परिस्थिति यहाँ बताई गई है। देखेंगे आप आगे, छठवां पॉइंट की बात करते हैं। साथियों, परेश के हृदय में नीलू के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। वह शाम के समय उसके हॉस्टल में मिलने जाता है। नीलू कहती है कि वह अपना सामान पैकिंग कर रही है, रात 10 बजे की ट्रेन से वह चली जाएगी। वह परेश को अपना पता लिखकर देती है कि रिव्यू की कटिंग इस पते पर भेज देना। जब परेश ने कहा कि वह भी कहीं बाहर चला जाएगा, तो हंसी में नीलू ने कहा कि तुम जिस शहर में भी जाओ वहाँ से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजते रहना, फोटो और पोस्ट कार्ड, पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजते रहना। नीलू के द्वारा पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजने की बात से परेश बेवकूफ सा बनकर उसे देखता रहता है। तब वह अंधेरे में वापस आ जाता है। साथियों, ये था परेश का नीलू के प्रति आकर्षण। अब हम बात करेंगे निकी, सीडी एवं परेश का त्रिकोण। ये तीनों मित्र थे आपस में, तो निकी, सीडी एवं परेश का त्रिकोण सातवां पॉइंट है आपका। बच्चों, सातवां पॉइंट, निकी, सीडी एवं परेश का त्रिकोण। साथियों, परेश नीलू से गुडबाई कर एस्प्रेसो में आता है, गुडबाई करके एस्प्रेसो में आता है। वहाँ पर निकी और सीडी मिलते हैं। उन तीनों मित्रों की बातें होती हैं। निकी परेश से नीलू और प्रभा से मिलने का प्रश्न पूछता है। वह परेश को कुछ आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से देखता है। साथियों, सीडी बेटर से 3 क्रीम काफी लाने के लिए कहता है। वह मसूरी जाने का अपना कार्यक्रम बताता है तथा परेश से पूछता है कि आज उसकी आंखें मुदी मुदी क्यों हैं। परेश कोई उत्तर नहीं देता है। वह उस समय नीलू का स्मरण करता है, साथियों, कि वह 10 बजे ट्रेन से जाएगी। काफ़ी पीकर वे सब जाने लगते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तो परेश जूक बॉक्स के पास जाकर उसका बटन दबाता है। साथियों, उसकी लाल बत्ती चमकने लगती है। यहीं पर यह कथानक समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये हुई आपकी कथानक की बात। जैसा कि प्रश्न में आपको पूछा गया है, पिक्चर पोस्ट कार्ड का मनी का मकान साथ लिखते
व्यवस्था की थी। तो यहाँ 7 पॉइंट जो आपके आए हैं इसमें क्या हुआ है, कथानक का सार बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कहानी की कलात्मक विशेषताएं। अब विशेषता भी पूछी गई है तो बच्चों पॉइंटों के आधार पर हम विशेषताएं भी क्लियर करेंगे और देखेंगे आगे पॉइंट क्या है इसका। कलात्मक जो विशेषताएं हैं बच्चों वो है निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी मध्यम आकार की है, ना तो बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी। इसका कथानक छोटे छोटे संवादों से विकसित हुआ है साथियों, तथा पात्रों की जो मनोदशा का संवेदनशील चित्रण हुआ है वह इस कहानी की कलात्मक विशेषताओं का विवेचन करती है। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे परिवेश से प्रतिबद्धता, पहला पॉइंट है इसका। देखेंगे आगे परिवेश से प्रतिबद्धता, ये पहला पॉइंट है। देखेंगे आप विशेषताओं का, ठीक है, ये विशेषताएं हैं, विशेषताओं का पहला पॉइंट है। तो बच्चों जैसा कि नई कहानी कथा विधा की प्रमुख विशेषता के अनुसार प्रस्तुत कहानी के कथानक में परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कहानी का अधिकतर घटनाक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में घटित दर्शाया गया है। साथियों आगे जो है सभी पात्र वहाँ की कैंटीन, लाइब्रेरी तथा वहाँ के हॉस्टल आदि में परस्पर संवाद करते हैं अथवा आपसी मेल मिलाप करते हैं, और एक दो घटनाएं दिल्ली महानगर के कुछ स्थानों की बस यात्रा के रूप में भी चित्रित हुई हैं। साथियों विश्वविद्यालय परिवेश के सायंकालीन एवं रात्रिकालीन प्राकृतिक वातावरण का अनुभूतिमय चित्रण किया गया है। बच्चों इससे परिवेश में भोगे गए यथार्थ की व्यंजना हुई है। आप देखेंगे दूसरे पॉइंट में पात्रों की मनोदशाओं का निरूपण, दूसरा पॉइंट है इसका पात्रों की मनोदशाओं का निरूपण। पात्रों की मनोदशाओं का निरूपण, साथियों देखेंगे आगे पात्रों की मनोदशा क्या है, इसका निरूपण किस प्रकार किया गया है। बच्चों पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी के सभी पात्र आधुनिक युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे अध्ययन समाप्त कर अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंतित हैं। कहानी का प्रमुख पात्र परेश कहानी लेखन एवं बुक रिव्यू में रुचि दिखाता है, तो सीडी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयारी करता है और निक्की अभिनय क्षेत्र में जाना चाहता है। ये इनकी पात्रों की मनोदशा है कि कौन किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो प्रभा और नीलू भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर स्वावलंबी बनना चाहती हैं। ये सभी युवा पाश्चात्य संस्कारों वाले तथा आधुनिकता की विकृतियों से ग्रस्त भी लगते हैं। साथियों इस कारण बियर पीना, क्रीम कॉफी का सेवन करना, लड़कियों की ओर झुकाव रखना तथा स्वच्छंद आचरण करना
अपना स्वभाव बना लेते हैं। इन सभी कार्यों में उनकी जो मनोदशाएं व्यक्त हुई है बच्चों, कहानी में उनका अनुभूतिमय चित्रण किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रस्तुत कहानी में पात्रों की वैयक्तिक अनुभूतियों का प्राधान्य दिखाया गया है साथियों, जिससे एक ओर प्रत्येक पात्र का वर्गगत स्वानुभव मनोदशा विशेष रूप से व्यक्त हुआ है, तो दूसरी ओर अस्तित्ववादी चिंतन, कुंठा, मूल्यगत संक्रमण आदि का भी यथार्थ निरूपण किया गया है। साथियों अब यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, पात्रों की मनोदशाओं का निरूपण। और अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका गतिशील संवादात्मक योजना। गतिशील संवादात्मक योजना, गतिशील संवादात्मक योजना। तो साथियों इसमें देखेंगे आगे कहानी का जो संपूर्ण कथानक संवादों के माध्यम से गुंफित हुआ है और इसमें छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा पात्रों के मनोभावों को संवादों के रूप में व्यक्त किया गया है बच्चों। ऐसी संवाद योजना के कारण कथा प्रवाह मंद गति से आगे बढ़ता रहता है तथा पात्रों के अंतरंग भावों का प्रकाशन कर उनकी कुंठा, व्यवस्था, चिंता, निराशा आदि विविध स्थितियों की सहज व्यंजना कर देता है। साथियों कहानी के संवाद आत्मकथात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, घटना सूचक तथा चरित्रोद्घाटक हैं, जो कि व्यंग विनोद के पुट से रोचक लगते हैं। साथियों इस तरह कहानी में दृश्यात्मकता एवं नाट्याभिनयता, दृश्यात्मकता एवं नाट्याभिनयता का स्वतः समावेश हुआ है। इन विशेषताओं से प्रस्तुत कहानी पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण बन गई है। साथियों अब बात करेंगे हम चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता। अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता, बच्चों देखेंगे आगे अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है। साथियों प्रस्तुत कहानी में अनुभूति के साथ ही अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता अन्यतम विशेषता रूप में उभरी है। इसमें सभी पात्र नई पीढ़ी के आधुनिकता बोध वाले हैं, इस कारण उनकी भाषा संस्कारों के अनुरूप कुछ मिश्रित है। अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है तो सांकेतिक शब्दों से अव्यक्त भावों की व्यंजना की गई है। साथियों उच्च शिक्षा के परिसरों में
प्रचलित भाषा का प्रयोग कर कहानी में मनोभावों का प्रकाशन सहजता से किया गया है और अर्थ या भाव संप्रेषण की दृष्टि से साथियों भावाभिव्यक्ति का यह स्वरूप प्रभावशाली लगता है। इस तरह साथियों स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी का कथानक काफ़ी रोचक संभाव्य सुगठित एवं आधुनिकता बोध से संबलित है। इस कहानी में परिवेश की प्रतिबद्धता, अनुभूत की प्रामाणिकता, भीगे हुए यथार्थ की वैयक्तिक अभिव्यक्ति, भाषा शिल्प आदि सभी विशेषताओं का समावेश हुआ है। बच्चों इन सभी विशेषताओं से यह कहानी श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। तो अभी आपने पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी का अध्ययन किया है साथियों, आगे देखेंगे